छात्रों, पिछली कक्षा में हमने बहुपद के बारे में पढ़ा है, बीजी बहुपद के बारे में अध्ययन किया है। हमने इस प्रकार के बहुपद x प्लस वन, एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस फाइव, एक्स क्यू प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर फोर एक्स प्लस फाइव एंड एक्स टू दी पावर फोर माइनस वन प्रकार के बहुपद का अध्ययन किया है। इस प्रकार के जो बीजी बहुपद हैं, इस बीजी बहुपद में जहां पर चर या अज्ञात राशि, यहां पर अज्ञात राशि है जो बीजी बहुपद में है, एक्स है, इस पर जो घात दो है अचर राशि की, उस प्रकार के बीजी बहुपद, ये बीजी बहुपद जिसकी घात चर राशि की घात कितनी है, दो, इस प्रकार के जब बहुपद को हम बाएं तरफ और इसके बराबर में दाएं तरफ जीरो रखते हैं तो जो हमको समीकरण प्राप्त होता है उसे वर्ग समीकरण कहते हैं। जब हम इस प्रकार x स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव को हमने बाएं तरफ रखा और इसके दाईं ओर बराबर के जीरो रखें, या इसी प्रकार x स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल जीरो रखें, तो ये दोनों जो बीजी बहुपद है वो समीकरण के रूप में परिवर्तित हो गए, ये कहलाएंगे वर्ग समीकरण, ये कहलाएंगे वर्ग समीकरण। आज हम वर्ग समीकरण के अर्थ, परिभाषा, वर्ग समीकरण के मानक रूप, वर्ग समीकरण के प्रकार, वर्ग समीकरण के मूल और वर्ग समीकरण ज्ञात करने की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। हम सबसे पहले जानेंगे कि वर्ग समीकरण क्या है। वह समीकरण जिसमें अज्ञात राशि या चर राशि की घात दो हो वर्ग समीकरण कहलाता है। जैसे ये जो बीजी बहुपद है जिसको हमने बाएं तरफ रखकर दाएं पक्ष में जीरो रखा, ये वर्ग समीकरण है। यहां पर अज्ञात राशि क्या है, चर राशि क्या है, एनीवन, यस यू, क्या है चर राशि है, क्या चीज यहां इस इक्वेशन में, समीकरण में चर राशि क्या है, एक्स, एक्स जिसका मान हमको ज्ञात करना है। यहां पर अज्ञात राशि है एक्स जिसे चर राशि भी कहेंगे, और यहां पे टू फाइव फाइव सिक्स दैट इज ए अचर राशि जो वास्तविक संख्याएं होती है, ये क्या है, अचर राशि जो वास्तविक संख्याएं हैं, यहां पर अज्ञात राशि है एक्स। तो वह समीकरण जिसमें अज्ञात राशि या चर राशि की घात दो हो उसे कहते हैं वर्ग समीकरण, या उसे कहते हैं द्विघात समीकरण। वर्ग समीकरण, या इसी को कहेंगे द्विघात, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब वर्ग समीकरण का मानक रूप, वर्ग समीकरण को इस रूप में लिखा जाता है, मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, ये वर्ग समीकरण का मानक रूप है। यहां पर चर एक्स है और ए बी सी अचर राशि है जो वास्तविक संख्याएं होती है, और इसके लिए इसेंशियल कंडीशन है, अनिवार्य कंडीशन है ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं हो सकता, यहां पे अनिवार्य जो शर्त है ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी सी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, संख्याएं हैं और कंडीशन है ए नॉट इक्वल टू जीरो, ये है वर्ग समीकरण का मानक रूप। यहां पे चर क्या है, एक्स, कितने पद है मानक रूप में, कितने पद हैं, ये मानक रूप के कितने पद हैं, तीन पद हैं, तीन पदों से ये चर का जो अज्ञात राशि की द्विघात वाले पद, चर का एक घात वाले पद और एक अचर पद, ये द्विघात पद है, एक घाती पद है और ये
अचर पद है, इन तीनों से मिलकर मानक समीकरण बनता है, ये कहलाता है वर्ग समीकरण का मानक रूप। वर्ग समीकरण का मानक रूप। अब हम पढ़ेंगे वर्ग समीकरण के प्रकार। वर्ग समीकरण दो प्रकार से होते हैं, शुद्ध वर्ग समीकरण और दूसरा मिश्रित वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण के प्रकार, काइंड्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। वर्ग समीकरण दो प्रकार के होते हैं, पहला शुद्ध वर्ग समीकरण दूसरा मिश्रित वर्ग समीकरण। शुद्ध वर्ग समीकरण हम पहला देखेंगे। शुद्ध वर्ग समीकरण, शुद्ध वर्ग समीकरण वह समीकरण है जिसमें चर का द्विघाती पद हो। कौन सा पद हो? चर का द्विघाती पद हो, एक घाती पद ना हो, तो वह समीकरण कहलाता है शुद्ध वर्ग समीकरण। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल जीरो, यह शुद्ध वर्ग समीकरण है क्योंकि यह x के चर के द्विघात वाले पद हैं। इस समीकरण में जो मानक समीकरण होता है x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो में जो b का मान जीरो होता है, यहां पर b का मान जीरो होने से ये वाला पद क्या होता है, जीरो हो जाता है, तो हमको मिलता है शुद्ध वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल जीरो के रूप में प्राप्त होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल जीरो के रूप में प्राप्त होता है, यह कहलाता है शुद्ध वर्ग समीकरण। इसमें एक घाती चर के घाती पद नहीं होते, जैसे यहां पर चर के घाती पद नहीं बताया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल जीरो, सिर्फ चर के द्विघाती पद हैं और अचर पद है, एक घाती पद नहीं है, तो यह क्या कहलाएगा, शुद्ध वर्ग समीकरण। इसके लिए कंडीशन है बी नॉट बी इक्वल जीरो, बी इक्वल जीरो होने से ये जो एक घाती पद है वो शून्य हो जाता है, आपको मिलता है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल जीरो, ये शुद्ध वर्ग समीकरण के प्रकार है। अब आता है मिश्रित वर्ग समीकरण। मिश्रित वर्ग समीकरण वह समीकरण है जिसमें चर का दोनों पद हो, चर का द्विघाती पद और एक घाती पद हो, उसे कहते हैं मिश्रित वर्ग समीकरण। जैसे x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल जीरो या x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल जीरो, इस प्रकार के जो इक्वेशन है, समीकरण है, वे कहलाते हैं मिश्रित वर्ग समीकरण, मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस प्रकार के जो समीकरण है वो कहलाते हैं मिश्रित वर्ग समीकरण या मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें देखिए एक द्विघाती पद है, एक घाती पद है, यहाँ अचर पद नहीं है, यहाँ पर द्विघाती पद है, यहाँ पर एक घाती पद है और अचर पद है। तो इस प्रकार के जो समीकरण बनेंगे ये मानक समीकरण के रूप के ही प्रकार के होते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, इस रूप के होते हैं मिक्स्ड वर्ग, मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन या मिश्रित वर्ग समीकरण। अब वर्ग समीकरण के मूल, है ना, अब देखेंगे हम वर्ग समीकरण के मूल। वर्ग समीकरण के मूल, वर्ग समीकरण का मानक रूप
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, जहां ए नॉट इक्वल टू जीरो। इस समीकरण में x के अधिकतम घात कितनी है, अज्ञात राशि अचर राशि की कितनी है अधिकतम घात, दो। तो वर्ग समीकरण के दो मूल होते हैं, वर्ग समीकरण के कितने मूल होते हैं, दो, क्योंकि चर अज्ञात राशि का अधिकतम घात दो है, तो इस समीकरण के दो मूल होते हैं। इन वर्ग समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा माना जाता है, अल्फा और बीटा। और जो वर्ग समीकरण के मूल होंगे उस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, समीकरण को संतुष्ट करते हैं। जैसे एक हम देखते हैं कि मूल होते क्या हैं, कैसे संतुष्ट करते हैं समीकरण को। एक वर्ग समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल जीरो, ये कोई वर्ग समीकरण है। अब हम देखते हैं इसकी दो संख्याएं लेते हैं और सिद्ध करते हैं क्या उसके मूल हैं या नहीं। जो वर्ग समीकरण के मूल होते हैं वो समीकरण को संतुष्ट करते हैं, मतलब समीकरण के हम बाएं पक्ष में उसका मान रखें तो दाएं पक्ष के बराबर होना चाहिए, तभी वो समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो हमने एक वर्ग समीकरण ले लिया एक्स स्क्वायर फाइव एक्स इक्वल सिक्स, यहाँ पर हम एक संख्या लेते हैं एक्स इक्वल टू और एक संख्या लेते हैं एक्स इक्वल माइनस थ्री। हम दो मानों के लिए इसको टेस्ट करेंगे, परीक्षण करेंगे कि कौन सी इसका मूल है और कौन सी इसका मूल नहीं है। जो संतुष्ट करेगा वह वर्ग समीकरण का मूल होगा और जो संतुष्ट नहीं करेगा वो वर्ग समीकरण का मूल नहीं होगा। तो हम देखते हैं पहला x इक्वल टू के लिए, x इक्वल टू का मान वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल जीरो के लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स में रखने पर रख दे मान एक्स की वैल्यू कितनी है, टू। मान रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमको दायां पक्ष क्या, ये लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है, दायां पक्ष हमको जीरो मिलना चाहिए। जब इस समीकरण में दो रखेंगे और हमको शून्य प्राप्त होगा तो यह एक्स इक्वल टू इस समीकरण का मूल होगा। यदि शून्य प्राप्त नहीं होगा इसका मतलब ये है कि एक्स इक्वल टू इस समीकरण का मूल नहीं है। इट इज क्लियर है ना। तो मान रख के देखें 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6। मान रखने का मतलब है कि x इक्वल टू का मान रखने का मतलब है कि x स्थान पर उस वैल्यू को, उस मान को रखना। तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर मीन्स कितना होगा, 2 का वर्ग, जोर से बोलिए कितना होगा, 4। यस 4। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 इंटू 2 10 प्लस 6 कितना हो गया, 14 20। ये राइट हैंड साइड के बराबर है क्या, 20 राइट हैंड साइड के बराबर है क्या, नहीं, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड दायां पक्ष के बराबर नहीं है, दायां पक्ष के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि x बराबर 2 इस समीकरण का मूल नहीं है, क्योंकि संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए x इक्वल टू इस समीकरण का मूल नहीं हो। अब हम देखते हैं x इक्वल माइनस थ्री का मान रखकर इस समीकरण में देखते हैं वो क्या संतुष्ट कर पाते हैं कि नहीं पाते। x इक्वल माइनस थ्री का मान समीकरण के बाएं पक्ष लेफ्ट हैंड साइड में रखने पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है समीकरण का, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, मान रखेंगे माइनस थ्री स्क्वायर प्लस फाइव इंटू माइनस थ्री प्लस सिक्स कितना होगा, माइनस थ्री स्क्वायर कितना होगा, माइनस थ्री स्क्वायर एनीवन कितना, नो
कितना होगा? और कोई एनीवन? कितना होगा? माइनस थ्री है, इसको स्क्वायर करने पर कितना प्राप्त होगा? प्लस नाइन। प्लस या माइनस कोई भी नंबर होता है, इसको स्क्वायर करने पर आपको प्लस में ही प्राप्त होता है। तो क्या हो, ये हो जाएगा नाइन। यहां पर कितना होगा? फाइव इंटू माइनस थ्री, कितना मिलेगा? फाइव इंटू माइनस थ्री माइनस माइनस फिफ्टीन, तो ये हो जाएगा माइनस फिफ्टीन। माइनस फिफ्टीन प्लस सिक्स, नाइन और सिक्स प्लस करने पर कितना होगा? प्लस वाले को पहले लेंगे तो फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन, और फिफ्टीन में फिफ्टीन माइनस करेंगे कितना? जीरो, जीरो मिलेगा। तो दिस इज राइट हैंड साइड, ये किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल माइनस थ्री इस समीकरण का मूल है। क्या है? मूल है। मतलब जो चर के जो मान मूल होंगे उस समीकरण के संतुष्ट करेंगे, मतलब हम उसके बाएं पक्ष में मान रखेंगे दाएं पक्ष के बराबर होगा, और जो समीकरण के मूल नहीं होंगे उनका मान हम समीकरण में रखेंगे तो दाएं पक्ष के बराबर नहीं होगा। तो समीकरण के दो मूल होते हैं, उसको मान लिया गया है एक अल्फा और दूसरा बीटा। तो ये समीकरण के मूल हुए। अब हम देखते हैं स्वर्ग समीकरण के ज्ञात करने की विधि। वर्ग समीकरण हल करने की दो विधियां हैं, एक गुणनखंड विधि और दूसरा होता है सूत्र विधि। वर्ग समीकरण ज्ञात करने की विधियां, ज्ञात करने की विधि दो विधि है। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा सूत्र विधि। दो विधि हैं गुणनखंड ज्ञात करने की, एक होता है आपका गुणनखंड विधि और दूसरा होता है सूत्र विधि। वर्ग पहले हम देखते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में मानक समीकरण वर्ग समीकरण के मानक रूप x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, इस वर्ग समीकरण के मानक रूप में गुणनखंड ज्ञात करने की विधि ये विधि है को जो बी होता है उसको इस प्रकार दो रूपों में हम स्प्लिट करें, विभक्त करें, है ना, हम इसको इस तरह से दो भागों में विभक्त करें, बी वन और बी टू का को विभक्त करें कि इसका गुणनफल ए और सी के गुणनफल के बराबर हो। मतलब बी वन इंटू बी टू इक्वल सी ए इंटू सी के बराबर हो। b को एक घाती पद को इस तरह से व्यक्त करें हैं, जो यहाँ पे अचर मान को b1 b2 में इस तरह से विभक्त करें, स्प्लिट करें कि उनका गुणनफल a और c के गुणनफल के बराबर हो। फिर इस प्रकार जो हमको एक घातीय पद प्राप्त होगा उस एक घातीय बहुपद को हम जीरो के बराबर रखेंगे, फिर वहाँ से हम x के मान प्राप्त कर लेंगे। ये इनकी विधि है गुणनखंड ज्ञात करने की, है ना, ये कहलाती है सूत्र विधि। और इससे हम प्रश्नावली देखेंगे। इससे अब हम वर्ग समीकरण ज्ञात करने की
पहली विधि गुणनखंड विधि का बारे में पढ़ेंगे, इसके लिए एक बार पुनः हम देख लें कि वर्ग समीकरण का मानक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो में जो एक घाती पद है बी को इस तरह से विभक्त करना है बी वन बी टू में कि उसका गुणनफल ए और सी के गुणनफल के बराबर हो। फिर जो इसके बाद एक घातीय गुणनखंड प्राप्त होगा उस एक घातीय गुणनखंड को हम शून्य के बराबर रखेंगे और वहां से हम चर के जो अज्ञात राशि के मान प्राप्त करेंगे। इससे देखते हैं संबंधित प्रश्नावली के कुछ प्रश्न। प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्नावली क्वेश्चन x square minus 10x इक्वल जीरो ये दिया हुआ है ना। एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स इक्वल जीरो हम पहले देख लें। इस टाइप का जब समीकरण कोई क्वेश्चन हमको मिले तो हम पहले देख लें कि समीकरण के दाएं पक्ष जीरो के बराबर है या नहीं। नहीं है तो पहले जो पद हैं उसको किधर ले आए हम बाएं तरफ ले आए और जो दाएं पक्ष को जीरो के बराबर रखें। हम मानक रूप में बनाए समीकरण के मानक रूप में तो ये हमको मिला एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स इक्वल जीरो। यहाँ पर हम देखिए x के पद यहाँ पर भी है और x के पद यहाँ पर भी। हम सबसे पहले क्या करेंगे x को कॉमन लेंगे। हल दिया गया वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स इक्वल जीरो ये दिया है। अब देखिए दोनों पद में x है तो हम x कॉमन ले लेंगे। यहां पर x कॉमन लेने पर x x माइनस टेन इक्वल जीरो दोनों पद में हम x कॉमन लेंगे तो x क्या हो जाएगा x कॉमन हो जाएगा x माइनस टेन इक्वल जीरो। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये एक घाती पद में बदल गया हुआ ये घाती पद में बदल गए ना। अब इसको हम अलग अलग रूप से शून्य के रूप में रखेंगे। किसके रूप में रखेंगे अलग अलग शून्य के रूप में रखने पर ये हो जाएगा विच इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल जीरो एवं एक्स माइनस टेन इक्वल जीरो दो रूप में प्राप्त हो गए हमको एक्स इक्वल जीरो और एक्स माइनस टेन इक्वल जीरो। पहला x इक्वल जीरो इसका हल मिल गया एक मूल मिल गया x इक्वल जीरो है ना x इक्वल जीरो और सेकंड जो मिला है हमको x माइनस टेन दोनों को अलग अलग करेंगे तो x माइनस टेन इक्वल जीरो। तो इसको पक्षांतर करने पर x माइनस टेन टेन को पक्षांतर करेंगे क्या प्राप्त होगा x इक्वल क्या प्राप्त होगा क्या होगा प्लस प्लस टेन यस। इसको पक्षांतर करने पर x क्या हो जाएगा प्लस टेन या टेन। तो हमको x के दो मान मिले ये x इक्वल जीरो एंड सेकंड x इक्वल टेन। हमको x के दो मान प्राप्त हुए x इक्वल जीरो और x इक्वल टेन यही आंसर यही इस वर्ग समीकरण का हल है यही इस वर्ग समीकरण का हल है। अब हम देखते हैं एक वर्ग समीकरण दूसरा वर्ग समीकरण हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15 इक्वल जीरो 4x स्क्वायर प्लस 4x
माइनस 15 इक्वल 0। एक वर्ग समीकरण है, इसको गुणनखंड मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हल करना है। यहां पर इसका हल होगा, दिया गया समीकरण समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15 इक्वल 0। दिया गया इक्वेशन क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15 इक्वल 0। मानक समीकरण से तुलना करने पर ax स्क्वायर मानक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से तुलना करने पर तुलना कीजिए, इक्वल क्या मिलेगा, इस समीकरण से तुलना कीजिए, ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू, एनीवन, ए की वैल्यू क्या होगी, है कितनी होगी, 4, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू क्या होगी, 4, सी की वैल्यू कितना होगा, सी की वैल्यू है चिन्ह के साथ माइनस 15, कितना हो जाएगा, माइनस 15। ये हमारा मानक समीकरण से तुलना किए जो दिए गए समीकरण है, तो ए की वैल्यू प्राप्त हुई 4, बी की वैल्यू प्राप्त हुई 4, सी की वैल्यू माइनस 15। अब हमने जो गुणनखंड विधि का तरीका बताया था वो ये होता कि बी के मान को इस तरह से दो भागों में विभक्त करना, है ना, जो ए और सी के गुणनखंड के बराबर, ये हमने नियम बताया था। अब हम देखते हैं ए और सी का गुणा करें कितना मिलेगा, ए और सी का मल्टीप्लाई करें कितना मिलेगा, 4 इंटू 15 कितना मिलेगा, 60 कितना मिलेगा, 60। अब हमको यहां पे दो एक नंबर चाहिए बी के मान के लिए, एक ऐसा दो अंक चाहिए, दो संख्या चाहिए जिसको जोड़ने या घटाने पर बी मिले और गुणा करने पर 60 प्राप्त हो, है ना, हमें एक ऐसा दो नंबर फाइंड आउट करना है जिसको प्लस करें या माइनस करें तो हमको 4 मिले और उसका मल्टीप्लाई कितना हो, 60 के इक्वल हो, है ना। तो हम इसके लिए देखते हैं 60 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड देखते हैं। सबसे पहला तो 1 आएगा इसका, है ना, दो संख्या लेने की तरीका यह है कि 1 गुणी 60 कितना हो जाएगा, 60 होगा, लेकिन 1 और 60 को जोड़ने पर कितना मिलेगा, 61 मिलेगा या फिर 59 मिलेगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। फिर इसका देखते हैं 60 का गुणनखंड किससे लेंगे, 2 से लेंगे, 2 के लिए किससे गुणा करेंगे पर 60 मिलेगा, 30 से, 30 आ गया, लेकिन 30 को 2 से प्लस करने पर 32 और 30 में 2 माइनस करने पर कितना हो जाएगा, 28, 28, तो ये भी संभव नहीं है, ये भी यहां पर नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। फिर हम लेंगे 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 मिलेगा, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कौन से संख्या से गुना करना पड़ेगा, 20 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 60 मिलेगा। अब देखते हैं इसको जोड़े या घटाएं, 20 में 3 को जोड़े कितना होगा, 23, और 20 में 3 घटाएं कितना मिलेगा, 17, तो ये भी संभव नहीं है क्योंकि बी का मान उतना नहीं है। अब आता है हम 4 गुणित 15 15 चौक 60 मिल गया, 60 तो मिल गया गुणनखंड, लेकिन इसको जोड़ने या घटाने पर 4 मिल रहा है क्या, देखें 15 में 4 जोड़े तो 19 और 15 में 4 घटाएं तो 11, तो ये भी संभव नहीं है। अब आता है संख्या 5
पांच को 12 से गुना करो, 12 पंचे 60, 12 में पांच को जोड़े कितना हुआ 17, 12 में पांच घटाएं कितना हुआ 7। तो ये भी यहां पर नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी संभव नहीं है। फिर एक संख्या आती है 6, 6 को किससे गुना करेंगे 10 से, तो कितना मिल जाएगा 60, कितना मिल जाएगा 60, है ना। 6 को 10 में जोड़े कितना मिलेगा 16, और 10 में 6 घटाएं तो कितना मिलेगा 4, तो कौन सी संख्या होगी, यही वाली संख्या होगी, यही वाली संख्या होगी जिसको गुना करने पर क्या मिला ए और सी के बराबर मिला, और जिसको घटाने पर कितना मिल रहा है 4। तो ये कौन सी संख्या होगी 6 और 10, 6 और 6 और 10 को मल्टीप्लाई कीजिए कितना मिलेगा 60, और 10 में 6 माइनस कीजिए कितना मिलेगा 4। तो ये संख्या हमको प्राप्त हो गई, कौन सी दो संख्या प्राप्त होगी 6 और 10। तो इसके लिए हम हल करेंगे, एक 4x² + 4x - 15 = 0, ऐसा समीकरण था हमारा, है ना। अब हमको दो संख्या प्राप्त हुई 6 और 10, यहां पर इसको इनपुट कराएंगे 4x² 10x प्लस है तो 10x में 6x घटाएंगे तो कितना मिलेगा 4x, 10x माइनस 6x माइनस 15 इक्वल 0। ये गुणनखंड विधि में दो संख्या प्राप्त करना ही महत्वपूर्ण है, उसके बाद गुणनखंड लेना है वो सरल प्रक्रिया है। देखिए दो संख्या प्राप्त हो गई, अब इस दो संख्या में हम क्या करेंगे, दो दो पेयर बना लीजिए, यहां पर कॉमन क्या निकलेगा, क्या कॉमन निकलेगा दोनों 4x² + 10x में, एक्स कॉमन निकलेगा साथ भी, साथ ही क्या निकलेगा 2 भी निकलेगा, है ना, 2x कॉमन हो जाएगा, ये बचेगा 2x + 5, कितना बचेगा 2x + 5, 2 × 4 x² और 2x × 5 10x। जो 2x + 5 आया है वो यहां पे लिख दीजिए, है ना, यहां पे लिख दीजिए। अब इसको ऐसी कौन सी नंबर से गुना करें कि 6x - 15 प्राप्त हो, कौन सी संख्या से गुना करेंगे, किस संख्या से, 6 है और यहां 2 है तो कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से, यस -3 से हम इसको गुना करेंगे तो -6x और -15, है ना। तो ये दो गुणनखंड जो प्राप्त हुए, इस गुणनखंड को हम एक में लिख लेंगे, एक बार लिख लेंगे, फिर जो बाकी जो ये जो पद हैं इसको एक ब्रैकेट में लिखकर ये 2x + 5 एंड 2x - 3 -3 = 0। देखो एक घाती गुणनखंड के रूप में आ गया, किस रूप में आ गया, ये एक घाती गुणनखंड के रूप में आ गया। अब इसको हम दोनों को सेपरेट अलग अलग कर लेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 2x + 5 = 0 एंड 2x - 3 = 0। दोनों गुणनखंड को 0 को इक्विवेलेंट करेंगे तो यहां पर हम 2x 5 को पक्षांतर करेंगे, कितना हो जाएगा -5, तो x इक्वल क्या मिल जाएगा, x इक्वल मिलेगा -5/2। इधर क्या मिलेगा 2x, ये क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, बराबर कुछ पर ले जाएंगे पक्षांतर करेंगे तो x इक्वल हो जाएगा +3/2। तो x के दो मान प्राप्त हुए, x के दो मान प्राप्त हुए -5/2 एंड 3/2, यही इसका उत्तर होगा, यही इसके मूल होंगे, उत्तर होंगे, यही इसका उत्तर होगा, है ना। तो गुणनखंड विधि में जो b को स्प्लिट करना है, दो भागों में विभक्त करना है,
वो संख्या चयन महत्वपूर्ण है। उस संख्या को ऐसा चयन करना है जिनका गुणनफल ए और सी के मान के बराबर होनी चाहिए। फिर उसको आसानी से हम एक घातीय गुणनखंड में अलग अलग कर लेंगे, गुणनखंड के रूप में प्राप्त करेंगे, फिर इसको अलग अलग शून्य के बराबर करेंगे, फिर एक्स के मान हमको प्राप्त होंगे। तो इस तरह से इसका हल प्राप्त हुआ एक्स इक्वल माइनस 5/2 एंड 3/2। ये इस वर्ग समीकरण का हल है। अब हम एक और समीकरण को हल करेंगे। वर्ग समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल जीरो, इसी प्रश्नवली का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। इसको अपने को सॉल्व करना है, इसको भी करने की गुणनखंड विधि से ही हल करना है, और इसको हल करने के तरीके भी वही हैं जैसे पूर्व के प्रश्न में बताए गए हैं। यहाँ पर भी हम मानक वर्ग समीकरण से तुलना करें। मानक हल दिया गया समीकरण हल दिया गया समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल जीरो, दिए गए समीकरण को मानक वर्ग समीकरण से तुलना करने पर मानक वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो से तुलना करने पर ए की क्या वैल्यू होगी? ए की वैल्यू बताइए, ए की क्या वैल्यू है? ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू एनीवन जोर से बोलिए थोड़ा, -3। सी की वैल्यू -10। यस राइट, ये तीन हमको मान प्राप्त हुआ ए बी सी के। हमने मानक वर्ग समीकरण को दिए गए समीकरण से कंपेयर किया तो ए बी सी की मान प्राप्त होगी। फिर वही तरीका बी के लिए हम ऐसे दो मान प्राप्त करेंगे जिसको गुना करने पर ए और सी के बराबर हो, ए और सी के गुणनफल के बराबर हो। ए और सी का गुणनफल कितना होगा? 1 और 10 कितना हो जाएगा? सी इक्वल कितना होगा? 10। कितना मिला? 10। अब 10 है, उस 10 के लिए हम दो क्या करेंगे? दो संख्या प्राप्त करेंगे। क्या हो जाएगा? 2 × 5। 2 और 5 को पहले 1 × 10 करेंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। तो हमको क्या मिलेगा? 2 × 5 = 10। यही नंबर भी है क्योंकि 5 में 3, 2 माइनस करने पर कितना मिलेगा? 3 मिलेगा, यही नंबर भी है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल जीरो। तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5, फिर इसको लिख लेंगे x माइनस 5 यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2 इक्वल जीरो। फिर इसको अलग अलग हम हल कर लेंगे। अलग अलग समीकरण के रूप में इसको एक समीकरण में इसको अलग के रूप में लिखेंगे तो x प्लस माइनस 5 एंड x प्लस 2 इक्वल जीरो। तो हमको प्राप्त होगा एक x माइनस 5 इक्वल जीरो एंड x प्लस 2 इक्वल जीरो।
तो दिस इज एक्स इक्वल पक्षांतर करने पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर ये पक्षांतर करने पर माइनस 2, तो x के दो मान प्राप्त हुए x इक्वल 5 और ऋण 2, ये x के ये दिए गए समीकरण के हल होंगे। इस तरह आज हमने वर्ग समीकरण की परिभाषा, वर्ग समीकरण के मानक रूप, वर्ग समीकरण के प्रकार और वर्ग समीकरण के मूल तथा वर्ग समीकरण ज्ञात करने की पहली विधि गुणनखंड विधि का अध्ययन किया है और उससे संबंधित प्रश्नावली देखे हैं। कल हम देखेंगे गुणनखंड ज्ञात करने की सूत्र विधि। धन्यवाद।